प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे वाई लॉगरिथम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अलग अलग सेपरेट करना चाहे तो इसको इस तरफ ले जाएं हम, वाई लॉगरिथम ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब x वाली टर्म से एक तरफ, y वाली टर्म से एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इंटू लॉगरिथम ऑफ y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अलग अलग हो गए अब हमारे ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन dx एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इंटू लॉगरिथम ऑफ वाई। ध्यान दीजिए, इसका तो सिंपल लॉग एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास, अगर मैं वन अपॉन लॉग वाई को, सॉरी लॉग वाई को अगर मैं क्या पुट कर दूँ, टी पुट कर दूँ, तो हमारे पास वन अपॉन वाई डी वाई क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, दैट मीन्स डी वाई अपॉन वाई डिवाइडेड बाई लॉगरिथम ऑफ वाई। अगर हम इसको ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, टी पुट हो जाती है। तो पहले वाली बात होगी कि एफ डैश एक्स ऊपर है, हमारे पास एफ एक्स नीचे है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स नीचे वाले का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ, बट ये वैल्यू है नीचे हमारे पास एफ एक्स लॉग वाई है, लॉगरिथम ऑफ लॉग वाई एंड प्लस सभी जगह लॉग है तो यहाँ पे भी लॉगरिथम ऑफ सी ले लिया हमने। क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, अगर हमने रिप्रेजेंट करना है किस में, वाई में रिप्रेजेंट करना है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन दैट इज लॉग एम एन लॉग वाई इंटू सी, सी लॉग सी लॉगरिथम ऑफ वाई हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, मीन्स एक्स इज इक्वल टू सी लॉगरिथम ऑफ वाई, सी को मैं इधर लेके आऊँ तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ वाई हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई में वाई में लेना हमने, ई के फंक्शन के रूप में लें तो ई रेज टू पावर एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो गया। बट वन अपॉन सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर मैं वन अपॉन सी को कैपिटल सी लिख दूँ, ई रेज टू पावर सी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आपके बुक में इस हिसाब से आंसर दिया हुआ है, वन अपॉन सी वेयर वन अपॉन सी, वेयर वन अपॉन सी इज सी। तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सी एक्स, वन अपॉन सी को मैंने कैपिटल सी ले लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स रेज टू पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेबल हैं आसानी से, वाई को इधर ले आए, डी वाई अपॉन वाई रेज टू पावर 5, यहाँ पे डी एक्स ऊपर चला जाएगा और माइनस अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई अपॉन वाई रेज टू पावर 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, वाई की पावर माइनस फाइव एंड एक्स की पावर माइनस फाइव। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर अगर हम प्लस करेंगे तो वाई रेज टू पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर एंड प्लस का सी बन गया माइनस फोर। ठीक है, माइनस फोर से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी वाई माइनस फोर, माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सभी को, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस फोर एंड माइनस का फोर ऑफ सी,
वाई रेज टू पावर माइनस फोर प्लस इधर ले आए हम एक्स रेज टू पावर माइनस फोर इज इक्वल टू के, के और कैपिटल सी वेयर के इज इक्वल टू माइनस का फोर सी इज योअर आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सेपरेबल करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को पहला फंक्शन, वन को दूसरा फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया वाई, यहाँ पे पहला फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू वाई हो गई, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वन का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स, पहले लिख लेते हैं हम एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे इसको हम इंटीग्रल वन मान लेते हैं, एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और वी कैन राइट इट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। वन माइनस एक्स स्क्वेयर में हम क्या करें, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो माइनस का टू एक्स आएगा, तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं और टू से ही हम क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू क्या होगी वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ध्यान दीजिए, अगर मैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर को टी पुट करता हूँ तो मेरे पास माइनस का टू एक्स डी एक्स जो हो जाएगा वो डी टी हो जाएगा, माइनस टू एक्स डी एक्स डी टी। तो माइनस माइनस इसको प्लस ही कर देते हैं हम, यहाँ पे हो गया वन अपॉन टू और ये वैल्यू बन जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वेयर टी, तो डी टी अपॉन माइनस टू एक्स डी एक्स की जगह प्लस कर दिया मैंने, ये हो गया डी टी, डी टी अपॉन रूट टी, डी टी अपॉन रूट टी। तो टी की पावर टी हमारे पास क्या वन माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर रूट टी, टी की पावर माइनस का वन अपॉन टू, प्लस वन करेंगे तो प्लस का वन अपॉन टू एंड डिवाइडेड बाई वन अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने इसी में कर दिया। आप इसको अलग से इंटीग्रल वन लेके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू वन अपॉइंट टू से वन अपॉइंट टू हमारे पास कैंसिल हो गई, सो वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये रूट में हो गया, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट था, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ई रेज टू पावर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स सिकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई। तो हम इनको अलग अलग करें, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको इधर ले जाते हैं, तो वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स सिकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का ई रेज टू पावर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, यहाँ पर वैल्यू बची सिकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई टेंजेंट वाई। यहाँ पे हो गया माइनस ई रेज टू पावर एक्स एंड डिवाइडेड बाई वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर वाई डी वाई अपॉन टेंजेंट वाई एंड दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन ई की एक्स अपॉन वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास कौन सा टाइप हो गया, यहाँ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स
डी एक्स, जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। टेंजेंट वाई का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर वाई, वन माइनस ई की एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वन का जीरो माइनस ई की एक्स का माइनस ई की एक्स ही हो जाएगा। तो इनका बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स, दोनों लॉग में है तो हम लॉगरिथम ऑफ क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी लॉगरिथम ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे एम प्लस एन, तो सी इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमें पहले की तरह जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना, यहाँ पर हमने निकाला पर्टिकुलर सोल्यूशन 11 to 14 में। डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड वेन वाई इजिकल टू वन वेन एक्स इजिकल टू जीरो। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए है। इसमें हम क्या करें, डी वाई, वाई का सिर्फ हमारे पास यही है, डी एक्स उधर चला जाएगा, दिस इज 2x² अपॉन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एंड डी एक्स भी साथ में ले गए हम इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x² अपॉन x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन। हमने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी। इंटीग्रल वन में हमने इंटीग्रेशन लेना है 2x² प्लस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसमें अगर मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर कॉमन होके एक्स प्लस वन और फिर प्लस वन कॉमन होके एक्स प्लस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स। इसके मैंने फैक्टर कर लिया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब क्या करते थे हम, लेट 2x² अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हम क्या लेते थे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन। एलसीएम लें तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो जाएगा एंड प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बन गया 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब ए और बी, ए बी सी की वैल्यू अगर निकालनी है हमने तो कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग, या पुट कर देते हैं हम पहले, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इसमें पुट करेंगे ये तो बन जाएगा टू एंड माइनस वन इज इक्वल टू, ये हमारा जीरो ही बन जाएगा। सो ए इंटू माइनस वन का स्क्वेयर वन, वन प्लस वन टू बन गया। सो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन, वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई हमारी, अब इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग अगर हम एक्स स्क्वेयर की टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कॉन्स्टेंट, जिससे भी काम चलेगा हमारा वहाँ से चला लेंगे। एक्स स्क्वेयर को अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे हो गया मेरा टू, इस तरफ क्या होगा ए एक्स स्क्वेयर, दैट मीन्स ए
यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का करोगे तो बी एक्स स्क्वेयर, तो प्लस का बी हो गया। अब ए की वैल्यू 1/2 है, सो 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस का बी, इधर जाके माइनस कर देंगे, 2 में से 1/2 करेंगे माइनस, तो 3/2 हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3/2 हो गई, बी इज इक्वल टू 3/2। इसके बाद हम किसकी इक्वेट करें, एक्स की अगर इक्वेट करते हैं तो हमारे पास, या कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में इधर हमारे पास क्या है, 0 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट में a हो गया और यहाँ पे कॉन्स्टेंट में क्या हो गया, प्लस का c, तो a की वैल्यू 1/2 है, सो c इज इक्वल टू माइनस a, मतलब a की वैल्यू 1/2 है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंटीग्रल 1 की वैल्यू अगर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हमने इसके इक्वल ली थी, a हमारे पास कितना हो गया, a की वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 dx, 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, ये इकट्ठा ही लिख लेते हैं पहले एक बारी, 1/2 x प्लस 1 प्लस बी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, बी हमारे पास है 3/2x प्लस का 3/2x प्लस सी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड इनटू dx। ठीक है, dx अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, इसके साथ लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन 3/2 हो गया, हमारे पास ये बचा एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिथम में, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर ले लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा और इसको मैं क्या लिख दूँ, 4 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का 3/4, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो गया एंड माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1/a तो 1 ही रहेगा एंड टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आ गई, वाई की वैल्यू होगी भाई, सो वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का 3/4 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हमें लिमिट वो भी दिए हुए थे, पॉइंट्स भी दिए थे, व्हेन y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ x हमारे पास क्या है, 0 है, लॉगरिथम ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा प्लस का 3/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2 बन गया एंड सॉरी 0 है, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो लॉगरिथम 1 हो जाएगा माइनस का 1/2 टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू 0 प्लस का c, तो ये भी 0 हो गया, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 लॉगरिथम 0, ये भी 0 हो गया माइनस 0 प्लस का c, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 प्लस का 3/4 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 हो गया भाई। ठीक है, अब 1/4 हम ऐसे करते हैं, 1/4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से,
अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है आंसर, बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ ये 2 लॉगरिथम एक्स प्लस 1 प्लस का 1/4 मैंने बाहर ले लिया, 3 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1। अब ये 2 पावर ऊपर चली जाएगी, 1/4 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1। ये लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, 1/4 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3 एंड माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।